नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह टॉपिक अप्सराओं से संबंधित है। आखिर भारतवर्ष में अप्सरा से संबंधित कौन कौन से मंदिर हैं, कहां कहां उनकी मूर्तियां और उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। भारत में अप्सरा मंदिरों का उल्लेख पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में मिलता है, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है और अधिकांश का उल्लेख कहानियों में ही अधिक होता है। अप्सरा उर्वशी की कहानी हो, या मेनका विश्वामित्र की कहानी हो, या फिर अन्य अप्सराओं के मानव के जीवन में आने से संबंधित कथाएं हो, ये हमेशा से कौतुक का विषय रहा है। यहाँ कुछ प्रमुख अप्सरा मंदिर और उनसे जुड़ी जानकारी दी गई है। एक, कमला देवी मंदिर, मध्य प्रदेश। कमला देवी मंदिर एक प्रसिद्ध स्थान है जहां अप्सराओं की कथाओं का वर्णन मिलता है। यहां कमला देवी की पूजा होती है, जिन्हें एक अप्सरा के रूप में भी माना जाता है। दो, भुवनेश्वरी मंदिर, त्रिपुरा। त्रिपुरा में स्थित भुवनेश्वरी मंदिर में अप्सराओं की मूर्तियां देखी जा सकती हैं। ये मूर्तियां पारंपरिक भारतीय कला के अद्भुत उदाहरण हैं और यहाँ की दीवारों पर अप्सराओं के नृत्य और उनकी कहानियों को चित्रित किया गया है। तीन, खजुराहो के मंदिर, मध्य प्रदेश। खजुराहो के मंदिर अपने अद्वितीय शिल्प कला और सुंदर मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों में अप्सराओं की कई सुंदर मूर्तियां हैं जो विभिन्न मुद्राओं में नृत्य करती हुई दिखती हैं। ये मूर्तियां न केवल कला का प्रतीक हैं, बल्कि अप्सराओं के महत्व को भी दर्शाती हैं। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ पर अप्सराओं की कई सुंदर मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां अप्सराओं के नृत्य, उनकी सुंदरता और उनके अलंकरण को दर्शाती हैं। यह स्थान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। एलिफेंटा की गुफाओं में अप्सराओं की सुंदर मूर्तियां देखी जा सकती हैं। ये मूर्तियां अद्भुत शिल्प कला का उदाहरण हैं और इनमें अप्सराओं के विभिन्न रूपों और उनकी कहानियों को दर्शाया गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर अपनी भव्य मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अप्सराओं की मूर्तियां भी देखी जा सकती हैं, जो मंदिर की दीवारों पर अंकित हैं और उनकी सुंदरता और कला को प्रदर्शित करती हैं। मुक्तेश्वर मंदिर, ओडिशा। भुवनेश्वर में स्थित इस मंदिर में सुंदर अप्सरा मूर्तियां हैं जो मंदिर की दीवारों पर अलंकृत हैं। यह मंदिर अपनी वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर, राजस्थान। माउंट आबू में स्थित इन मंदिरों में विशेष रूप से विमल वसाही और लूना वसाही मंदिर में संगमरमर की अप्सरा मूर्तियां देखी जा सकती हैं। यहाँ की मूर्तियां अपनी बारीक नक्काशी और शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं। होयसलेश्वर मंदिर, कर्नाटक। बेलूर में स्थित होयसलेश्वर मंदिर में अप्सराओं की नृत्य मुद्रा में मूर्तियां हैं, जो होयसला वास्तुकला की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती हैं। रानी की वाव, गुजरात पट्टन में स्थित इस बावड़ी, जिसे स्टेपवेल भी कहते हैं, में कई अप्सराओं की मूर्तियां हैं जो इसकी दीवारों को सजाती हैं। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अपनी जटिल मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। चेन्ना केशव मंदिर, बेलूर, कर्नाटक। यह होयसला साम्राज्य द्वारा बनवाया गया था।
और अप्सराओं की सुंदर मूर्तियों से सज्जित है, जो विभिन्न नृत्य मुद्राओं में हैं और मंदिर के स्थापत्य सौंदर्य को बढ़ाती हैं। कैलाश मंदिर, एलोरा गुफाएं, महाराष्ट्र। एलोरा गुफाओं के 16 नंबर की गुफा, जो कैलाश मंदिर है, में भी अप्सराओं की कई मूर्तियां पाई जाती हैं। यह गुफा मंदिर अपनी विशालता और शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है, जहां अप्सराओं की मूर्तियां जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। महाबलीपुरम मंदिर, तमिलनाडु। महाबलीपुरम में स्थित इस मंदिर में अप्सराओं की सुंदर आकृतियां हैं, जो उनके नृत्य और क्रीड़ाओं को चित्रित करती हैं। इन मंदिरों और स्थानों के माध्यम से हम अप्सराओं के पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व को समझ सकते हैं और भारतीय कला की उत्कृष्टता को देख सकते हैं। ये सभी मंदिर भारतीय संस्कृति, पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं को दर्शाते हैं, जो हमें भारतीय इतिहास और परंपरा की गहराई में ले जाते हैं। तो ये थी जानकारी अप्सराओं से जुड़े हुए कुछ मंदिरों के विषय में। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।